गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 1.4। हमने 1.3 तक सॉल्व कर लिया था, अब आगे एक्सरसाइज है 1.4। 1.4 में क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट वाला ए वाला क्वेश्चन देखो। राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। क्या वर्क करना है हमको, फोर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनानी है। यहाँ पे जो डिजिट दी गई है उसी से बनानी है और उसमें कोई भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं करना है। बिना रिपीटिंग के हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन है ए वाला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करने जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या डिजिट दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या कर डिजिट 3671 ये डिजिट दी गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इससे इस पहले स्मॉलेस्ट फोर डिजिट बना लेते हैं। हम तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। ठीक है, अब इससे हम सबसे इस डिजिट के अंदर आप देखो 3671 के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी डिजिट है, इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7। इस तरह से हम इसको कर देंगे कंप्लीट। अब इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, ये हमारी बन जाएगी 1367। ये फोर डिजिट नंबर बन जाएगी, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब इसी से हम क्या बनाएंगे, इसी डिजिट से हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी उसको हम आगे ले लेंगे। तो यानी जो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे उसका बैकवर्ड कर देंगे हम, यानी कि 7 आगे आ जाएगा, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1। इस तरह से आपकी ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बन जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्या डिजिट दी गई है, 7852 डिजिट दी गई है। तो अब इसमें हम क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे। इससे भी हम स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे। तो पहला क्या, इसमें जो दी गई है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8। इसी से हम ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट में अब इसका भी बैकवर्ड कर देंगे, 8 आगे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2। इस तरह से ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बन जाएगी। थर्ड नंबर देखो, 2896 डिजिट दी गई है। इससे भी हम स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, उसके बाद है 6, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9। ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे, इसमें भी इसका बैकवर्ड कर देंगे स्मॉलेस्ट का, तो 9862 हो जाएगा। इसी तरह से हम 4, 5, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कॉपी में सारे ही नोट करने हैं और सारे ही सॉल्व करने हैं। सेकंड बी वाला क्वेश्चन देखो, बी वाला क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विदाउट डिजिट नंबर आउट ऑफ गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। ठीक है, और इससे हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनानी है विदाउट रिपीटिंग के, कोई डिजिट हमको रिपीट नहीं करनी है। अब ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या डिजिट दी गई है, 6767284। ठीक है, इसको हम इसी से हम स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाएंगे और इसी से हम ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर पहले, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। और ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इसका बैकवर्ड हो जाएगा, 8764 अपोजिट हो जाएगा, 876 आगे आ जाएगा, बड़ी संख्या आगे आ जाएगी, 87642। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में चला जाएगा, इससे बन जाएगा ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। कोई भी डिजिट हमको रिपीट नहीं करनी है, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है, 16853 दी गई है डिजिट, तो इसी से हम स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाएंगे। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर भी इसी तरह से बनाएंगे हम, इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसका 86531 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी वाला देखो, चेंज द पोजीशन ऑफ द डिजिट इट्स नेसेसरी टू गेट द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। हमको डिजिट की इस पोजीशन जो है चेंज करनी है और उससे हमको ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनानी है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हमको उस डिजिट की पोजीशन चेंज करके ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनानी है। क्वेश्चन है 75289, अब इससे हमको स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनानी है, सॉरी सॉरी एक मिनट
सी वाला, हाँ, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनानी है। तो अब इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें नाइन सबसे बड़ा है तो नाइन पहले लेंगे, उसके बाद एट, उसके बाद सेवन, फिर फाइव, फिर टू। ये आपका ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बन गया। अब इसके बाद है सेकेंड, 62370 दी गई है डिजिट, तो अब इसमें भी हम ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाएंगे। तो सबसे इसमें ग्रेटेस्ट संख्या कौन सी है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन, डिजिट कौन सी है, सेवन है, उसके बाद सिक्स है, फिर उसके बाद थ्री है, फिर टू है, फिर जीरो। जीरो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए लास्ट में होगा। इसी तरह से हम आगे थर्ड नंबर पर दे रखा है 16668, तो अब हम इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, एट है, फिर उसके बाद 6661। इस तरह से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसी तरह से आपको 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सी। उसके बाद क्वेश्चन डी है, चेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट। यहाँ पे भी आपको डिजिट की पोजीशन चेंज करनी है, अगर ज़रूरी हो तो इफ़ नेसेसरी टू गेट द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। और हमको क्या बनाना है, क्या प्राप्त करना है, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बनाना है। अब इसमें यहाँ पे वन वाला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें डिजिट दी गई है 478032, तो अब इसमें हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जीरो है, लेकिन हम जीरो को आगे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो काउंटिंग नहीं होगी, इससे हमको स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बनानी है, तो हमें सिक्स डिजिट नंबर नहीं बनेगा, इसलिए हम आगे पहले क्या लेंगे, टू लेंगे, उसके बाद जीरो लेंगे, फिर उसके बाद 3, 4, 7, 8 आपकी ये सिक्स डिजिट नंबर बन गई। वन देखो, 1, 2 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स डिजिट नंबर बन गई। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन 980134 दे रखा है, इससे में भी हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर ही बनाना है। और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, फिर उसके बाद जीरो लेना है। जीरो हम आगे किसी भी संख्या के आगे जीरो जो लेते हैं तो वो काउंटिंग नहीं होती है, वो काउंट नहीं होता है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, इसलिए हमको एक नंबर कोई सा भी, मतलब वन स्मॉलेस्ट नंबर लेके उसके बाद ही हम जीरो को यूज करेंगे। तो 10389 बन जाएगा इसका स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। ऐसे ही आपको 3 वाला क्वेश्चन, 4 वाला क्वेश्चन, 5 वाला क्वेश्चन, 6 और 7 और 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ये आपका डी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई वाला देखो, बाय यूजिंग द गिवन डिजिट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 5, 6 और 7। यहाँ पे आपको 5 और 6 और 7 तीनों ही डिजिट नंबर बनानी है ग्रेटेस्ट इस डिजिट को यूज करके, और बिना रिपीटिंग, डिजिट में भी रिपीटेड, यहाँ पे डिजिट रिपीटेड होगी, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 3 डिजिट दी गई है, 5, 4 और 6। अब इससे हमको 5 डिजिट भी बनानी है, 6 डिजिट भी बनानी है और 7 डिजिट भी बनानी है। तो हम पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो हम इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखो कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है, तो 6 है, तो हम उसी को रिपीट करेंगे क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट ही बनाना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम 6 को रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे 6 को 3 बार रिपीट कर दिया, 6, 6, 6, और उसके बाद 5 और 4, तो ये क्या बन गया, 5 डिजिट नंबर बन गया। अब इसी से हमको 6 डिजिट नंबर भी बनाना है, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर देखो अब इसमें बनाना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 को 4 बार रिपीट कर देंगे, 6, 6, 6, 6 और उसके बाद 5, 4, तो आपका ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही हमको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है। अब यहाँ पे 7 बार 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये हम कितनी बार रिपीट कर देंगे, इसको 5 बार रिपीट कर देंगे और 5 और 4 लिख देंगे उसके बाद, तो आपका ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बन गया आपका। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, जिसमें डिजिट दी गई है 9, 4, 8, 6, अब इसी से भी हमको 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है और 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 9 है, तो हमने 9 ले लिया, 9 को ही हम रिपीट करेंगे क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है और हमको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अगर स्मॉलेस्ट बनाना होता तो हम छोटी संख्या को रिपीट करते, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम 9 को रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे हमने 9 को रिपीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स और दिए गए हैं, 4, 8, 6, तो 3 तो दिए हुए हैं, अब 9 को एक 9 दिया हुआ है, बाकी हमको बनाना कितना 5 है, तो हम 9 को 2 बार रिपीट कर देंगे, 9, 9, 4, 8, 6। ऐसे ही ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना, तो 9 को हम 3 बार रिपीट कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा आपका आपका ये क्वेश्चन डी वाला कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।